hashtag insane prankster. उस पे भी होगा. लड़का थक जाता है यार कि बस हो गया, अब कितना उसको नेक्स्ट बार चले जाते. लड़की उसको सेक्स करने नहीं देती इसलिए वो ब्रेक ले लेता है. उसके साथ जानू जानू बाबू बाबू करके पक गया रहेगा. हाँ. तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर करने वाला हूँ गिव अवे, और गिव अवे में देने वाला ये सब टी शर्ट. सो गाइस, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मुझे फॉलो करो इंसेंट प्रैंकस्टर को, आपको ये सब टी शर्ट मिल जाएंगे. एंड गाइस, आपको ये सब टी शर्ट खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बाय भी कर सकते हैं. हे गाइस, दिस इज रोशन, योर इंसेंट प्रैंकस्टर. सो गाइस, आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला, तो वीडियो एंड तक देखना. एंड गाइस, मैं आज लड़कियों से पूछने वाला हूँ रिलेशनशिप के बारे में, कि रिलेशनशिप में ब्रेक लेना चाहिए या कि नहीं. तो लेना चाहिए तो भी क्यों, तो देखते हैं लड़कियों का क्या रिएक्शंस होते हैं और उनके क्या ओपिनियंस होते हैं. तो चलो वीडियो एंड तक देखो. रिलेशनशिप में ब्रेक लेना चाहिए या नहीं, अगर लेना है तो भी क्यों? नहीं, मुझे तो लगता है नहीं लेना चाहिए ब्रेक, क्योंकि रिलेशन में अगर ब्रेक आ गया तो उसके बाद वो पहला वाला प्यार भी नहीं रहता, उसके बाद बोरिंग लगने लगता. अच्छा. है सब. तो उसके मुझे तो नहीं लगता लेना चाहिए. अगर लेना है तो मतलब परमानेंट ब्रेक ले लो. अच्छा. तू तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग. लड़की उसको सेक्स करने नहीं देती इसलिए वो ब्रेक ले लेता है. हो सकता है. हो सकता नहीं, होता है. होता है. हाँ. मतलब लड़की ने सेक्स करने नहीं दी तो लड़का ब्रेक ले लेता है. हाँ. नहीं लेना चाहिए. हाँ. क्योंकि फिर पार्टनर क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता ना, किधर गया, क्या कर रही है. हाँ. तो फिर नहीं लेना चाहिए. आई थिंक डेफिनेटली लेना चाहिए. आई मीन बट इट रियली डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन. हाउ लॉन्ग आप अपने गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ. हाँ. हैं, क्या इश्यूज़ हैं आपके लाइफ में. इफ़ यू फील कि वो ब्रेक लेने से आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिजॉल्व हो सकती है, देन लेना चाहिए. देखो डिपेंड करता है, वो बंदा पढ़ रहा होगा, अपने गोल्स पे अगर ज्यादा फोकस ज्यादा डिटरमिनेंट होगा ना अपने लाइफ में. हाँ. तो ब्रेक होगा तो अभी उसका रिलेशनशिप इसके ज्यादा के भी दो पहलू है. अच्छा, ये एक पहलू इन दोनों ने बोला. दो पहलू है, ले लेते. हाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट इट्स अ चांस फॉर यू टू हैव फन. और तब लेना चाहिए. हाँ, बिल्कुल लेना. बिल्कुल. हर एक कपल्स को ब्रेक लेना चाहिए. सी, अगर आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है एंड या आपकी नई नई शादी हुई है एंड यू आर सुपर हैप्पी टुगेदर, अगर कोई इशू नहीं है रिलेशनशिप, ब्रेक क्यों लोगे यार? पर अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत मच मच हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़ाइयां क्यों हो रही है एंड यू फील दैट देयर इज मोर हैप्पीनेस आउटसाइड, तो लो ना यार, एक्सप्लोर करो. अच्छा, ब्रेक लेना चाहिए. उसके साथ जानू जानू बाबू बाबू करके पक गया रहेगा. तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे साथ बाबा टाटा वाई बाय, उसके वजह से तो ब्रेक ले सकता है. और दूसरा रीजन लगता है सच में जेन्युइन रहेगा कि बाबा फैमिली कंडीशन है, नहीं सपोर्ट करने वाले हैं. हाँ. तो बेटा बेटर टाइम, सही टाइम पे ब्रेक लो. हाँ. और अलग हो जाओ, तो मुझे लगता है. लड़का थक जाता है यार कि बस हो गया, अब कितना उसको जो नेक्स्ट बार चले जाते दस साल के लिए दाल चावल तू खाएगा? बीच बीच में कुछ चाहिए ना यार. राइस तो चाहिए. अलग अलग वैरायटी होती है, बड़ा राइस, छोटा राइस, मेक्सिकन राइस, हुआ राइस. तो लड़कियों के बड़ा छोटा हो सकता है. और रिलेशन में ब्रेक क्यों लेते लोग? क्यों वो लड़की लड़की को सेटिस्फेक्शन नहीं देती उसके लिए, उल्टा भी हो सकता है, लड़का लड़की को सैटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, ऐसा भी हो सकता है. और कुछ भी हो सकता है. तो फिर वही लड़का स्टडीज के ऊपर मतलब बोल सकता है ना कि मुझे स्टडीज है, मुझे जॉब है, उसके लिए मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मुझे मेरा फ्यूचर देखना है, उसके लिए ब्रेक ले रहा हूँ. या मुझे दूसरी लड़की पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये भी हो सकता है. तो ऐसे रीजन तो कुछ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज आपके मन में जस्टिफाइड हो. हाँ. और दूसरे को आप बता के करें. हुँ. ऐसा ना हो कि दो लड़कियों के साथ आप मतलब अलग अलग टाइम पे, फिर वो थोड़ा मॉरल इश्यू हो जाता है. आप उनके मतलब यू शुड टेल देम ऑन देयर फेस कि देखो ऐसा है कि नाउ आई थिंक इट्स टाइम वी टेक अ ब्रेक एंड देन यू एक्सप्लोर योर ऑप्शन. मुझे लगता है अगर वो लोग ब्रेक ले रहे हैं, ओके यू गो. आई थिंक दे लैक इन द सेंस ऑफ Well, like understanding between them, there's no transparency between them.
और कमिटमेंट इज आई थिंक अगर कमिटमेंट है तो यू स्टिक टू दैट और एल्स जस्ट वॉक ऑफ ब्रेक क्यों लेते हैं ना क्यों लेते हैं और कि फिर अगर ब्रेकअप करने का रहेगा तो ब्रेक लेने का और मैंने सुना है कि रिलेशनशिप में जब भी लड़के को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो लड़की को छोड़ देता है ऐसा कुछ नहीं लड़की को भी नहीं मिली तो वो भी जाएगी अच्छा नहीं तो दूसरा रीजन ब्रेक का तो यही है कि बाबा तेरे से मैं पक गया है तू अभी जा तेरा दूसरा देख मैं मेरा दूसरा देखने वाला क्या क्या दूसरा देख अब वही प्यार आई हैव टू आई एम सीइंग टू पीपल राइट कि मेरी दो दो गर्लफ्रेंड है और ऐसी बात है तुम लोग का जो कैरेक्टर था उसमें आप लोग ने क्यों ब्रेक लिया था इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा यार शो तो हम लोग देखेंगे ऑडियंस से शो देखेंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिर तो, भी उनको थोड़ा तो शो का नाम टाइम आउट है इसमें एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है राहुल उसकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं जो आप ट्रेलर से पता लगा सकते हैं एक तो है उसकी नौकरी उसे पैसा कमाना है उसके माँ बाप ने बोला आप शादी करके रखिए उसकी बीवी है इनकी रिलेशनशिप के बीच में इश्यूज हैं तो उसकी सोच के मुताबिक उसकी जिंदगी में सुकून तभी आएगा जब वो ब्रेक लेगा अच्छा और उस ब्रेक लेने के बाद क्या होता है उसके लाइफ में और राधा के लाइफ में वो पता करने के लिए जी राधा राधा हाँ, राधा ओके okay.